Hi friends, welcome to our history and legend series. आज हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रसिद्ध चार धाम तीर्थ में से एक बद्रीनाथ की, जो देवभूमि उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। भगवान विष्णु को समर्पित ये धाम हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है और इसे दर्शन के लिए अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर नवंबर के बीच ही खोला जाता है। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की एक सुंदर शालिग्राम से बनी मूर्ति है, जिसमें वे चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। महाभारत के अनुसार बद्री वन में नर और नारायण नाम के दो भाइयों ने घोर तपस्या की थी और इसीलिए बद्रीनाथ मूल रूप से इन दोनों ऋषियों का स्थान है। इन दोनों ने बद्रिक आश्रम में भगवान विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी और इनकी कठिन तपस्या के प्रणाम स्वरूप ही आज बद्रीनाथ मंदिर में बद्री विशाल के साथ नर और नारायण भी विराजमान है। आइए अब ये जानते हैं कि बद्रीनाथ भगवान विष्णु का निवास स्थान कैसे बना। पुराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु तपस्या के लिए एकांत जगह की खोज कर रहे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें अलकनंदा नदी के पास एक स्थान बहुत पसंद आया और तभी वहां उन्हें एक घर दिखाई दिया, जो कि भगवान शिव और माता पार्वती का था। ऐसा देख भगवान विष्णु मन में सोचने लगे कि यदि ये घर मिल जाए तो ध्यान मुद्रा के लिए ये उचित स्थान होगा। भगवान विष्णु ने उस घर के अंदर जाने के लिए एक तरकीब निकाली और एक शिशु का रूप धारण कर घर के बाहर जोर जोर से रोने लगे। छोटे से बालक को रोता देख माता पार्वती की ममता जाग गई और तुरंत उन्होंने बालक को अपनी गोद में ले लिया। शिवजी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और बालक को घर के अंदर ले आई। थोड़ी देर बाद जब बालक सो गया, तब माता पार्वती शिवजी के साथ पास ही स्थित कुंड में स्नान करने गई और जब वो दोनों वापस लौटे, तब उन्होंने घर का दरवाजा अंदर से बंद पाया। बहुत आवाज लगाने पर भी जब बालक ने वो दरवाजा नहीं खोला, तब माता पार्वती जी हैरान हो गई। तभी शिव जी बोले, मैंने कहा था ना इस बालक को मत उठाओ, देखा इसने क्या किया। माता पार्वती जी दुखी होकर बोली, अब हम क्या करें। तब शिव जी ने कहा कि मैं इस बालक को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें ये बालक प्रिय है। उचित यही होगा कि ये घर हम इस बालक को दे दे और अपना निवास कहीं और बना ले। ऐसा कहकर भगवान शिव और माता पार्वती केदारनाथ चले गए और उसे अपना निवास स्थान बना लिया। इसके बाद भगवान विष्णु वहाँ घोर तपस्या में लीन हो गए और जब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु पर सूर्य की तेज किरणें पड़ते देखा, तब उन्होंने अपने पति को छाया प्रदान करने के लिए एक विशाल बद्री यानी पेड़ के पेड़ का रूप ले लिया और इसी वजह से इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ गया। तो इस तरह भगवान शिव और माता पार्वती को अपना घर गवाना पड़ा था और अपनी अद्भुत लीला द्वारा भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ को अपना निवास स्थान बना लिया। बद्रीनाथ मंदिर के अलावा यहाँ का दूसरा मुख्य आकर्षण है मंदिर के पास स्थित तप कुंड, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के तप के कारण इसका पानी इतनी ठंड में भी हमेशा गर्म बना रहता है। तो ये थी बद्रीनाथ धाम की कहानी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। सी यू सून।